हेलो फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल डिफरेंट ज्ञान पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो SBI के द्वारा हमें काफ़ी सारे रिवार्ड पॉइंट दिया जाता है। तो इन रिवार्ड पॉइंट को हम रुपया से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर देख लीजिए कैसे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग किया जाता है। दोस्तों, मैं इनो SBI ऐप्स ओपन करता हूँ। फ्रेंड, आपने इनो SBI ऐप्स पर रिवार्ड माई रिवार्ड पॉइंट्स पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा आपका कितना पॉइंट है। देखिए, मेरा पास यू हैव 975 पॉइंट्स है। तो इसको रिडीम कैसे किया जाता है, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। गया मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कैसे रिडीम किया जाता है। देखिए, मेरे पास टोटल अर्न मैंने किया था 995 पॉइंट्स, लेकिन इसमें से टोटल एक्सपायर पॉइंट 20 पॉइंट्स एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मेरे पास 975 पॉइंट्स बचा हुआ है। तो मेरा अपकमिंग एक्सपायर डेट है, देखिए 1 जनवरी 2021 पे, 1 जनवरी 2021 पे 40 पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएगा, और 31 दिसंबर पे 16 पॉइंट एक्सपायर हो जाएगा, और 30 सितंबर पे 35 पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएगा। सो इस टाइम से पहले मुझे ये पॉइंट को रिडीम करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब एक्सपायर हो जाएगा और इस तरह कमते रहेगा। तो रिडीम कैसे किया जाता है, इसके लिए आप रिडीम नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, इसके बाद आप डिस्क्लेमर पेज ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये पेज सब पढ़ने के बाद आप माई एग्री बटन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये ओपन हो रहा है SBI रिवार्ड। ये ओपन हो चुका है। आप इस रिवार्ड पॉइंट से आप गिफ्ट एंड वाउचर भी खरीद सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, SBI ग्रीन फाउंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH रिचार्ज भी कर सकते हो, बस फेयर दे सकते हो एंड होटल फेयर भी यहाँ से आप दे सकते हो इस पॉइंट से। और फ्रेंड्स, आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देखिएगा नीचे आप यहाँ से एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो इस पॉइंट से, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं अभी रिचार्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मोबाइल रिचार्ज करके दिखाऊंगा आपको इस पॉइंट से। फिर आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप ऑपरेटर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद सर्कल सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मैं फटाफट ये सब फिलअप कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद आप टर्म्स ऑफ कंडीशन पर चेकबॉक्स पर चेक कर लीजिए, फिर आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने समरी पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपना डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स चेक कर लीजिए, फिर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद वाटर समरी का पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे मिला है पेमेंट डिटेल्स पे, देखिए 975 पॉइंट्स से मुझे 243.75 रुपीस मिला है, बाकी बैलेंस 155.25 रुपीस मुझे कार्ड पेमेंट करना पड़ेगा। तो कार्ड नंबर आप यहाँ पे कार्ड नंबर दे दीजिएगा, नेम ऑफ कार्ड दीजिए, मंथ दे दीजिएगा, यह सब फिलअप करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। मैं ये सब फिलअप कर लेता हूँ। फ्रेंड, यह सब फिलअप करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, मेक पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, उसको क्लिक कीजिए। मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया है,
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपना मोबाइल पर OTP आ जाएगा, उसी OTP को यहाँ पे दे दीजिएगा, फिर आप कंफर्म बटन पर क्लिक कीजिएगा। OTP आ जाए, मैं OTP दे दिया यहाँ पे, फिर हम कंफर्म बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट। देखिए फिर एक OTP मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे गया है, मेरा पास OTP आ चुका है, मैं OTP दे देता हूँ। फिर आप मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। यह रिफ्रेश फिर से हो रहा है। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, प्लीज वेट वाइल, पेमेंट फेल दिखा रहा है मेरा। अनफॉर्चुनेटली योर पेमेंट हैज नॉट बीन प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, क्लिक ऑर्डर, चेक ऑर्डर। यहाँ से आप ऑर्डर चेक कर सकते, देखते क्या होता है मेरा। देखिए ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा मोबाइल पे मैसेज भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपना रिवार्ड पॉइंट भी रिडीम कर सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम फेस हुआ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपका रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा। ओके थैंक यू गाइस, एंड मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह सा अपडेटिंग न्यूज़ आपको मिल सके। थैंक यू।